Hey guys, welcome back to my channel. I hope आप लोगों का दिन बहुत ही बढ़िया रहा होगा। अच्छा, आज है एक छुट्टी वाला दिन है और एस्टर बहुत गंदी हो रखी है, तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बनाया जाए। कार का बड़ा शौक है एंड कार केयर का भी बड़ा शौक है, और साथ ही में मैं खुद कभी कभी कोशिश करता हूँ। यूं तो हमारी जो एस्टर है वो जाती है MG के पास फॉर सर्विसिंग, बट इन द एंड ऑफ द डे समटाइम्स आई फील लाइक वॉशिंग द कार माई सेल्फ। एंड मैंने सोचा चलो आज आपके साथ मेरे अपने टिप्स में शेयर करता हूँ कि मैं गाड़ी कैसे साफ करता हूँ। गाड़ी बहुत ही गंदी है, सो इन द एंड ऑफ द डे समटाइम्स आई रियली लाइक टू गेट वेरी वेरी यू नो हैंड्स ऑन विद क्लीनिंग माई ओन कार, जस्ट टू सी हाउ थिंग्स आर गोइंग ऑन और कैसे कोई स्क्रैचेज नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है। तो इन द एंड ऑफ द डे अच्छा इस गाड़ी में ना सेरामिक भी हो रखा है। बिफोर वी गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट, घंटा दबा दीजिएगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारी MG एस्टर में हमने सेरामिक भी करा रखा है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो यहाँ आई कार्ड में आ रही होगी, जाके देख लीजिएगा। अच्छा, आज मैं कुछ टिप्स आपको दूंगा कि हम क्या यूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें सेरामिक हो रखा है तो हम क्या यूज़ करते हैं, या क्या जनरली अगर भी आपका सेरामिक या PPF नहीं हो रखा है तो आपको क्या यूज़ करना चाहिए, और कैसे ऐसे प्रोडक्ट्स यूज़ करने चाहिए जो केमिकल फ्री हों और गाड़ियों की बॉडी टाइप्स के लिए और पेंट के प्रोटेक्शन के लिए बनाए गए हों। सो नाउ वी विल स्टार्ट विथ फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। देखिए, जैसे MG एस्टर है ये यूरोपियन कार प्लेटफॉर्म पे बनी है, तो इन द एंड ऑफ द डे इसका जो वाइपर है वो आपको पहले ऊपर करना होगा। ये आप उठा नहीं पाएंगे, क्योंकि अगर हम उठाने की कोशिश भी अगर इसको करते हैं तो इन द एंड ऑफ द डे आप उसको उठा नहीं पाएंगे। तो जनरली इसको करना क्या होता है कि आपको एक्चुअली गाड़ी के अंदर जाना होता है। सो वी विल सिट इन द कार राइट नाउ बेसिकली एंड स्टार्ट द कार, और गाड़ी स्टार्ट करने के बाद एक बार बंद कर दीजिए, और बस ये एक बार जो आपका जो वाइपर का लीवर है उसको एक बार दबा दीजिए, वाइपर्स अपने आप ऊपर हो जाएंगे। और जब वाइपर्स अपने आप ऊपर हो जाएंगे तो उसमें आपको करना कुछ नहीं, बस इसको ऐसे लिफ्ट कर देना है जनरली। अच्छा, तो क्योंकि ये गाड़ी बहुत ज़्यादा गंदी हो रखी है तो इसमें मैं दो तीन चीज़ें करूँगा। पहले तो मैं इसको पानी से ही धोऊँगा, सबसे पहले, और इसको दो बार मैं पानी से, सिर्फ पानी के साथ धोऊंगा। उसके बाद दो बार शैम्पू करूंगा और मैं आपको दिखाऊंगा कि हम कौन सा शैम्पू यूज करते हैं, तो बने रहिएगा। यू विल एक्चुअली एंजॉय दिस वीडियो। बेसिकली हम लोग क्या क्या यूज़ करते हैं, सो ये एक 3M का कार केयर का कार वॉश शैम्पू है, ये मैंने मंगवा रखा है एंड दिस इज़ फार बेस्ट। ये केमिकल फ्री है और इन द एंड ऑफ द डे इसमें हार्श कुछ नहीं है जो आपके पेंट को इफेक्ट करेगा, स्पेशली अगर आपने सेरामिक और PPF करवा रखा हो तो दिस इज़ अ वेरी गुड हार्श फ्री शैम्पू टू एक्चुअली यूज़। अच्छा, ये कुछ लोग ऐसा है ना हेड एंड शोल्डर्स वगैरह यूज़ करते हैं, प्लीज़ डोंट यूज़ ऑल ऑफ दैट, दैट विल डैमेज योर पेंट। दैट इज़ यू नो जो हेयर केयर शैम्पूज हैं दे आर नॉट बिल्ट और मेड फॉर बेसिकली वॉशिंग योर कार्स, राइट? सो डोंट डू दैट। दूसरी चीज़ है, आप ये कुछ ऐसा कुछ मंगवा सकते हैं, बेसिकली ये हम यूज़ करते हैं टेक्निकली जस्ट टू गिव अ रफ अप, बेसिकली जो प्लास्टिक एरियाज है, क्रोम एरियाज है, उसके लिए ये बहुत हैंडी है हमारे लिए। उसके बाद मैंने एक छोटा सा वाइपर रखा हुआ है, हैंड वाइपर। अब ये खिड़कियों को फाइनल टचअप्स देने के लिए रखा गया है ताकि सूखने में और सुखाने में आसानी हो जाए। फिर टायर्स के लिए और डैशबोर्ड के लिए, डैशबोर्ड की सफाई के लिए ये डस्ट फ्री स्पंज मैंने मंगवाए हैं। ये बेसिकली बहुत हैंडी है बिकॉज दे आर वेरी वेरी टाइनी एंड यू कैन क्लीन देम। आप इसको लगभग कुछ 50-60 बार वॉश कर करके यूज़ कर सकते हैं, दे डोंट डैमेज, दे आर वेरी ईजिली एंड दे वेरी चीप, एक्सपेंसिव नहीं है। फिर उसके बाद हम लोगों ने माइक्रोफाइबर क्लॉथ्स तो रखी हुई हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके ग्लास के लिए, आपके बॉडी के पेंट के लिए। और उसके बाद हम लोगों ने एक टायर 3M का टायर ड्रेसर रखा हुआ है। अब मैं वो स्प्रे
वाला इसलिए यूज नहीं करता हूँ क्योंकि वो रबर को डैमेज करता है, क्योंकि उसमें एसिडिक प्रॉपर्टी होती है। इस वाले में जो 3M से आया है, ये आपको बेसिकली इसमें एसिडिक नहीं होता है, ये एक सिर्फ एक सिंपल पॉलिश है जो आपको टायर को फाइनल एक ब्लैक फिनिश देगी। फिर उसके बाद हमने डैशबोर्ड ड्रेसर भी मंगवाया है, लेकिन मैं इसको यूज़ नहीं करता हूँ, ये हमने मंगवा के रखा हुआ है, मैं बताऊँगा क्यों इसको यूज़ नहीं करते हैं, बट दिस इज़ देयर नेवर द लेस। टायर के ऊपर जब मैं बेसिकली ये पॉलिश लगाता हूँ, जो टायर ड्रेसर है वो मैं जनरली, ये एक हैंड ग्लव है, ये सिमिलर टू दिस है बेसिकली, बट ये टायर पे पूरी तरीके से आसानी से पहुंच पाता है, तो मैंने ये मंगवा के रखा हुआ है। और दो और माइक्रोफाइबर क्लॉथ्स है मेरे पास, और मैंने एक शैम्पू लगाने के लिए, गाड़ी पे शैम्पू लगाने के लिए एक सेपरेट एक क्लॉथ रखी हुई है। ऑलराइट, सो नाउ टेक्निकली हम क्या करते हैं कि वी टेक अ बकेट। तो बेसिकली ये शैम्पू है, डिपेंडिंग ऑन आपकी गाड़ी कितनी गंदी है, जनरली ये तो बहुत गंदी है, तो मैं इसमें करीब करीब 500 ml डाल दूंगा। वो इसलिए क्योंकि थोड़ा मुझे ना दो बार क्योंकि गाड़ी धोनी है, उतने में ही ये सफिशिएंट है, और उसके बाद हम इसको गाड़ी को कोट करेंगे बेसिकली। जैसे देख सकते हैं इसमें अच्छी सी झाग बन चुकी है, अब हम इसको गाड़ी पे लगाएंगे जल्दी से। हम लोगों ने शैम्पू का कर दिया, अब हम दूसरा कोट शैम्पू का करेंगे। बताया हमारे पास दो माइक्रोफाइबर क्लॉथ्स हैं, सो बेसिकली एक क्लॉथ मैं यूज करता हूँ सिर्फ बॉडी को साफ करने के लिए, और एक क्लॉथ मैं यूज करता हूँ शीशों को साफ करने के लिए। वो इसलिए करते हैं क्योंकि शीशे में दाग ना रह जाए, इसलिए हम अलग एक कपड़ा यूज करते हैं शीशों के लिए, और आगे बताएंगे कि उसी कपड़े के साथ हम और क्या क्या करते हैं। जो इंटीरियर है, जनरली जिस कपड़े से हमने शीशे सिर्फ साफ किए थे, मैं जनरली उसी के साथ कोशिश करता हूँ कि डैम क्लॉथ है। मैं डैशबोर्ड ड्रेसर इसलिए नहीं यूज़ करता हूँ क्योंकि क्या होता है कि डस्ट जो है वो बैठ जाती है, तो वो डैशबोर्ड के अंदर चले जाती है और उसको साफ करना बहुत मुश्किल हो जाता है, एंड यू शुडंट बी डूइंग दैट। देयर इज़ अ प्रोफेशनल थिंग, जब आप सर्विस सेंटर में लेके जाते हैं गाड़ी, तब एक बहुत प्रोफेशनल तरीके से वो लोग एक पॉलिश लगाते हैं, जो कि आई थिंक इज सफिशिएंट, वो वंस ऑफ लगानी चाहिए, बार बार नहीं लगानी चाहिए। सो इन द एंड ऑफ द डे माय पर्सनल प्रेफरेंस ऑलवेज इज कि वही जो डैम क्लॉथ है जिससे मैंने शीशा साफ किया है, उसी के साथ मैं जो है डैशबोर्ड को थोड़ा रन डाउन दे देता हूँ बेसिकली। तो उससे क्या होता है कि बेसिकली कोई ऑयली टेक्सचर नहीं रह जाता है गाड़ी के अंदर, एंड जो साफ होना होता है वो भी साफ हो जाता है। तो बात करते हैं टायर्स के लिए। जैसे मैंने आपको बताया था, हमारे पास ये ग्लव है, और ये ग्लव ही हम इस्तेमाल करते हैं बेसिकली। थोड़ा सा हम लगा देते हैं बेसिकली टायर पे, एंड उसको फिर हम अच्छा सा वाइप डाउन दे देते हैं। सो बेसिकली उससे क्या होता है, एक शाइन बनी रहती है। ये हम चारों टायर्स पे करेंगे।
तो जनरली जो हम लोग टायर ड्रेसर में यूज करते हैं, अब यही चीज को मैं जो प्लास्टिक पार्ट्स है, जैसे ये जो ब्लैक वाले पार्ट्स आपको दिख रहे हैं, क्रोम को छोड़ के प्लास्टिक के जो पार्ट्स है मैं उसमें थोड़ा सा ब्रश अप दे देता हूँ, वो इसलिए ताकि थोड़ा सा ना चमक बनी रहे। इंटीरियर में मैं बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं करता हूँ। ऑलराइट, सो जल्दी से वो कर लेते हैं। गाड़ी पूरे तरीके से साफ कर दी है, चमक रही है। जैसे मैंने बोला कि गाड़ी बहुत ज़्यादा गंदी थी, तो दो बार हमें शैम्पू का कोट करना पड़ा। और दूसरी चीज़ ये है कि अगेन डैशबोर्ड के अंदर वाला जो आपका ड्रेसर है उसको मत यूज़ कीजिए, ऑयली ऑयली हो जाता है। और उससे इशू ये आ जाता है कि ओवर द टाइम जो डस्ट पार्टिकल्स है बाहर से वो चिपकने लगती हैं। वो उसको वंस इन अ मंथ करवा लीजिए, वो भी जब आप सर्विस सेंटर पे गाड़ी भेजते हैं या प्रोफेशनली उसको कहीं पे वॉश करवाते हैं, राइट। दूसरी चीज, अंदर के शीशे हमेशा एक माइक्रोफाइबर क्लॉथ अलग से रख लीजिए। क्यों? क्योंकि वो माइक्रोफाइबर क्लॉथ अगर वो बॉडी में आप जो चला रहे हैं उसी को आप शीशों पे चलाएंगे, अंदर के शीशों से भी चलाएंगे, तो क्या होगा कि रात में जब आप ड्राइव करेंगे ना, तो ग्लेयर पड़ेगा आपको सामने से ना, गाड़ियों के हेडलाइट की वजह से ग्लेयर आपकी आंखों में आएगा, क्योंकि कपड़ा साफ नहीं था तो डस्ट वो चिपक जाती है उसमें। तो इसलिए कोशिश करके यही कीजिए कि एक कपड़ा, एक माइक्रोफाइबर क्लॉथ आप रखिए शीशों के लिए, और एक माइक्रोफाइबर क्लॉथ आप रखिए सिर्फ बॉडी के लिए, और माइक्रोफाइबर क्लॉथ ही यूज कीजिए, और कोई कपड़ा मत यूज कीजिए। अच्छा, आज जो भी हमने आपको हमारे जो हम कार केयर के लिए जो भी प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं वो आपको यहाँ पे लिंक में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, अमेजोन से ही मंगवाए गए थे तो जाके मंगवा लीजिए। एंड आज की वीडियो के लिए बस इतना ही था। जाने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट, घंटा दबा दीजिएगा, और कंटिन्यू द कॉन्वर्सेशन इन द कॉमेंट्स। बाय नाउ।